गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी अपनी चैनल विभास लाइफ में। होप करती हूँ सब लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे जैसे कि हम व्यस्त हैं अभी। तो आज मेरे यहाँ पत्ता गोभी आया था तो इसका आधा हम बनाए थे सब्जी, लेकिन आधा बचा था तो अब सब्जी खाने का बिल्कुल मन नहीं है पत्ता गोभी का। तो इसका हम सोचे कुछ नया चीज बनाया जाए, रोज एक एक चीज खा के बोर हो जाते हैं। तो आज हम पत्ता गोभी का चल रहे हैं बनाएंगे पराठा। तो इसके लिए हम पत्ता गोभी ले लिए हैं आधा, और उसमें डालने के लिए ये अदरक और ये मिर्ची, हरी मिर्ची, और ये लहसुन हम कूट लिए हैं, और हरा धनिया इतना पड़ेगा। अभी इसको कद्दूकस करेंगे गोभी को, और अदरक को भी कद्दूकस कर लेंगे, मिर्ची को भी। कद्दूकस होता नहीं है, इसका छिलका बड़ा बड़ा निकलता है, तो इसको एकदम बारीक, मतलब एकदम बारीक बारीक काट लेंगे। लहसुन तो कूट ही दिए हैं और धनिया को भी बारीक बारीक काट दिए हैं। तो अभी बस ये मेरा तैयार है। तो अभी हम पत्ता गोभी को कद्दूकस कर लेंगे। तो अभी देखिए इसको हम कद्दूकस पत्ता गोभी को कर लेंगे, तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा एकदम महीन। ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये एकदम महीन हो जा रहा है, तो ये आटा में एकदम अच्छे से गुथा जाएगा और बेलने में भी आराम रहेगा। काट के भी बना सकते हैं, लेकिन काट के अच्छे से नहीं होगा तो इस कद्दूकस ही कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। तो अभी पत्ता गोभी मेरा कद्दूकस हो चुका है, और इसमें अदरक मिर्चा, ऐसे जा रहा है, अदरक मिर्चा और धनिया डाल दिए इसमें। अभी आटा डाल के गूथेंगे, अभी नहीं। अभी ये जब टमाटर और धनिया का चटनी बनाना है, ये पानी अभी खोलने के लिए रख रहे हैं। जब पानी खोलने लगेगा तो इसमें टमाटर डालेंगे ये चटनी बनाने के लिए, तो इसका वो जो छिलका है वो आराम से उतर जाएगा, इसका खाल उधेड़ेंगे टमाटर का। तो इसको अभी पानी को बॉईल होने देते हैं, उसके बाद टमाटर में यहाँ जो पीछे का साइड है थोड़ा सा इसमें ऐसे प्लस का कट का निशान बना देंगे तीनों में। ऐसे क्या है ना, निशान बना देंगे, ऐसे क्या है ना, निशान बना देंगे तो इसका छिलका अच्छे से निकलेगा, इसका तब खाल उधेड़ेंगे टमाटर का चटनी बनाने के लिए। तो ये चीरा लग गया है, अभी पानी खोलेगा जब से तब से ये इधर, उसके बाद हम इसी में आटा लेकर गूथ लेंगे बनाने के लिए। पहले हम चटनी को बनाएंगे, चटनी बनाने के बाद नहाएंगे, उसके बाद पराठा बनाएंगे, क्योंकि इसका पराठा गरम गरम खाओ तभी मजा देता है, ठंडा होने पर अच्छा नहीं लगता। तो इसको तो अभी हम बनाएंगे जब खाना होगा, लेकिन चटनी अभी हम तैयार करके रख लेंगे। तो ये मेरा पानी अभी खोलने वाला, अभी खोला नहीं है। तो अभी मेरा पानी अच्छे से एकदम गर्म हो गया है, तो अभी टमाटर को इसमें डाल देंगे तीनों टमाटर, और इसको फिर बॉयल होने देते हैं। एक उबाल आएगा उसके बाद फिर इसको बंद करेंगे, ढक देंगे, इससे जल्दी से उबलेगा। तो ये देखिए मेरे टमाटर का जो छिलका है एकदम अच्छे से इसी में उतर जा रहा है। तो अभी हम गैस को बंद कर देंगे, इसका अब एकदम मस्त खाल उधेड़ेंगे, खाल चमड़ी टमाटर का एकदम अच्छे से अब निकल जाएगा। इसको अब निकाल देंगे कि एक बर्तन में, ताकि ये ठंडा हो जाए, इसी में निकालते हैं। ये देखिए इसका छिलका अभी आधा, तो इसका छिलका आधा तो अपने से ही निकल गया है, और आधे को हम उधेड़ देंगे। ये ऐसे चटनी बनाइए इसका बिना छिलका का, तो मस्त।
ये सिलबट्टे पे अच्छे से पीसता भी नहीं है और छिलका गलता नहीं है टमाटर का। तो ये टमाटर हो गया। किसका आ रहा है मैसेज भाई? आटा को अभी हम नहीं गूथेंगे क्योंकि आटा को अभी हम गूथेंगे, इसमें नमक डालेंगे तो ये पत्ता गोभी अपना पानी जो छोड़ेगा उससे मेरा आटा गीला हो सकता है, इसलिए जब इसको बनाना होगा तभी इसमें हम आटा डाल करके गूथेंगे। और बनाने से पहले हम नहाएंगे, पहले हम चटनी पीस लें और नहाने से पहले चटनी पीसेंगे। अरे वाह क्या मस्त है। तो चटनी बनाएंगे सिलबट्टे पे। तो चटनी हम बनाने जा रहे हैं टमाटर की चटनी, तो उसमें डालेंगे ये जीरा जीरा और हरा मिर्चा 4 ठो। ये देखिए 4 हरा मिर्च। चटनी जब से तीखा ना हो, एकदम झन्नाटेदार ना हो, मजा नहीं आता। तो चटनी तीखा ही होना चाहिए, तो हम 4 मिर्ची लिए हैं। ये मिर्ची बहुत तीखा है, बहुत तीखा है। तो ये मिर्ची हो गया और उसके बाद इसमें 5 वो कली जो लहसुन है उसको छील के ले लिए हैं। उसके बाद ये हरा धनिया, हरा धनिया आपको जितना मर्जी उतना डालिए, इस टाइम तो हरा धनिया बहुत है। गर्मी में का मेरा, अगर आप लोगों ने ब्लॉग देखा है तो गर्मी में मेरा डायलॉग क्या था धनिया के लिए, हम कोई भी डिश बनाते थे तो गर्मी में तो वैसे भी धनिया महंगा रहता है, तो जब कभी ऐसे तो रहता था, जब कभी नहीं रहता था तो हम क्या बोलते थे, अगर इसमें धनिया डाल दीजिए तो बहुत अच्छा, आपके पास है तो डाल दीजिए, मेरे पास तो नहीं है तो मैं तो नहीं डाल रही। मेरा ये डायलॉग रहता था कि हरा धनिया मेरे पास तो नहीं है, अगर आपके पास है तो आप डाल लो और अच्छा लगेगा, मेरे पास तो नहीं है मैं तो नहीं डाल रही। लेकिन इस टाइम मेरे पास बहुत धनिया है, बहुत है। तो अभी धनिया, हरा मिर्चा, लहसुन, जीरा ले लिए हैं और टमाटर थोड़ा ठंडा हो जाए तब उसका खाल उदेड़ के उसका भी चटनी बनाएंगे। तब से अभी इसको पीस लेते हैं। इसमें ज्यादा पानी का यूज नहीं करेंगे, ज्यादा गीला हमको नहीं करना है क्योंकि टमाटर खुद ही उसमें इतना पानी रहता है। तो बस थोड़ा सा जीरा। तो मैं नहा के आ गई हूँ एकदम मस्त, एकदम फ्रेश फ्रेश। लेकिन नहाने के बाद तो ये बनाने का मन नहीं करता, बस भूख लगता है कि मिल जाए खाने के लिए। लेकिन अभी चल रहे हैं बनाएंगे। तो अभी इसमें हम सब डाल लिए हैं जैसा कि आप लोगों को दिखाए थे, पत्ता गोभी, अदरक, मिर्ची और लहसुन कूट लिए हैं, हरा धनिया ये सब डाल लिया। अब इसमें बस आटा डालेंगे और नमक और थोड़ा सा जीरा अजवाइन डाल के इसको गूथेंगे आटा को। अभी देखिए हम कान का निकाल दिए हैं, मेरे कान में ना पता नहीं क्यों, हम जब से शादी में वो बड़ा बड़ा इयररिंग पहने थे शादी के दिन, उसके बाद से ये मेरा कान एकदम जैसे दर्द होने लगा। तो अभी कल भी पहने थे तो दर्द हो रहा था तो निकाल लिए हैं। निकालने के बाद अजीब फेस लगता है ना, अगर कुछ आप हमेशा पहनते रहिए और निकाल दीजिए तो वो अपने आप को ही अजीब लगता है। तो अभी देखिए अब चल रहे हैं आटा गूंथने, हम इसमें आटा डालेंगे। तो हम ये आटा ले लिए हैं, इसमें जीरा अजवाइन डाल दिए हैं और अभी नमक डालने जा रहे हैं। उसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और गूंथते जाएंगे। नमक डाल के पहले इसको ऐसे ही पूरा मिक्स करेंगे, पत्ता गोभी और धनिया, हरी मिर्च जो भी हम डाले हैं इसमें उसको। तो इसमें बहुत कम पानी पड़ेगा तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको गूंथते जाएंगे। तो ये देखिए मेरा आटा गूंथ के तैयार, दिख रहा है कि नहीं, लाइट पड़ रहा है। ये हम आटा गूंथ लिए हैं और मेरा आटा पिघलना शुरू हो गया है, हम तवा चढ़ा दिए हैं। चल रहे हैं बनाएंगे पराठा। थोड़ा सा इस पे सूखा आटा ले लेंगे।
ये देखिए मेरा पराठा सिक गया है एकदम बढ़िया से दोनों साइड से और ये तैयार। ये पराठा हो गया और इसमें अभी ये जो हम टमाटर की चटनी बनाए थे वो चटनी, तो ये मेरा एकदम चटपटा मस्त नाश्ता बनके तैयार। सो फ्रेंड्स, मेरा नाश्ता हो गया, हम खा चुके हैं, अब चल रहे हैं धूप लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जो नए हैं मेरे चैनल पे, देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब करके मेरे परिवार में शामिल हो जाइए। मिलते हैं आप लोगों से एक ऐसे ही नए ब्लॉग में, तब तक के लिए।